सी आई E एनसीआरटी प्रेजेंट्स ट्रायलिंग डिक्शनरी ऑफ हिस्ट्री फॉर विद्यालयों के लिए त्रिभाषी शब्दकोश तारीख की लुगत स्कूलों के लिए सहलसानी Letter M Index Word and Page Number मददे माश पेज सेवेंटी सिक्स मदरसा पेज सेवेंटी सिक्स महादंड नायक पेज सेवेंटी सिक्स पेज सेवेंटी सेवन महलवारी पेज सेवेंटी सेवन मेहर पेज सेवेंटी एट मक्तुबात पेज सेवेंटी एट पेज सेवेंटी एट मंसब मनसबदारी सिस्टम पेज सेवेंटी नाइन मसनवीजी मैट्रिलिनी पेज एट्टी मेगा मेसोअमेरिका पेज एट्टी मेसोलिथिक 81 metallurgy page 81 microliths page 81 mihrab page 81 minar page 81 minbar page 82 mirbakhshi page 82 misl page 82 moderates page 83 mufti page 83 muhajir page 84 mulatto page 84 mukaddam page 84 mukti page 85 murid page 85 murshid page 85 Movinder Page 86. Now let's move to the dictionary of history, page 76. Madade Mash. The term refers to revenue free subsistence land that were granted to Muslim scholars and divines, the learned and the recluse in the form of stipends under the Delhi Sultans. During the Mughal period, four categories of persons were considered eligible to receive Madad-e-Mash. According to the ain they were: a, dispassionate seekers of knowledge; b, ascetics; c, the illiterate, weak, and poor; d, poor, uneducated men of noble birth. From the time of Akbar, grants of Mother Dimash were also made to non-Muslims, although instances of such grants before his time were not unknown. The grants of Mother Dimash helped the state in extending cultivation. Until Aurangzeb's time, such grants were not hereditary, but सन्स ऑफ द बेनिफिशरीज व जनरली अलाउड टू इनहेरिट दीज यह शब्द ऐसी राजस्व मुक्त भूमि का सूचक है जो दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में मुस्लिम विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को तथा पढ़े लिखे तथा एकांतवासी लोगों को उनके भरण पोषण के लिए दी जाती थी मुगलों के शासनकाल में चार श्रेणी के व्यक्तियों को मददे माश पाने का अधिकारी माना जाता था आईने अकबरी के अनुसार ये चार प्रकार के लोग थे क ज्ञान के अनासक्त जिज्ञासु ख सन्यासी, ग अनपढ़ गरीब और कमजोर लोग घ ऊंचे खानदानों के अनपढ़ गरीब लोग अकबर के समय से मदद माश गैर मुस्लिम लोगों को भी दी जाने लगी थी हालांकि उसके शासनकाल से पहले ऐसी मदद नहीं दिए जाने के उदाहरण नहीं मिलते मदद माश दिए जाने से राज्य को खेती का विस्तार करने में सहायता मिली औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसी मदद वंशानुगत नहीं थी फिर भी इस मदद को पाने वालों के बेटों को बादशाह आमतौर पर इन जमीनों का उत्तराधिकारी मान लिया करते थे मदद माश इस इस्तिला से मुराद गुजारे औकात के लिए दी जाने वाली मालगुजारी से मस्तना जमीन है जो दहली सल्तनत में मुस्लिम स्कॉलर अहले अल्लाह तालीम याफ्ता और तारकिन दुनिया को बतौर वज़ाइफ दी जाती थी मुग़ल दौर में चार तरह के लोगों को मदद माश का मुस्तह करार दिया गया था आये अकबरी के मुताबिक वो चार लोग अलिफ सरगर्म इल्म, बा तारकिन दुनिया जीम गैर तालीम याफ्त गरीब और कमज़ोर लोग दाल और उमरा घराने से ताल्लुक़ रखने वाले गैर तालीम याफ्ता गरीब अफराद थे अकबर के दौर से गैर मुस्लिमों को भी मदद माज दी जाने लगी हालाँकि उससे कबल गैर मुस्लिमों को मदद माश देने की मिसाल नहीं मिलती मदद माश से रियासत में ज़र्रात को फ़रोग मिला औरंगजेब के दौर तक मदद मरोसी नहीं थी ताहम बादशाह उसे इस्तेफादा करने वालों के बेटों को आमतौर पर मुताल जमीन दे देते थे मदरसा इट इज एन अरेबिक वर्ड विच मीन्स स्कूल इन इस्लामिक ट्रेडिशन इट सर्व बोथ एज अ प्लेस ऑफ स्टडी एंड एज अ रेजिडेंस फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स Initially, the curriculum of a madrasa was consisted of studies on Quran and Hadith. Later on, studies of grammar, literature, mathematics, logic, and also natural sciences were added to their curriculum. During the medieval times, madrasas had flourished in almost all important centers of Islamic states. One of the earliest madrasas in India during this period had been instituted by Sultan Alauddin Khilji that is 1296 to 1316 CE in the Qutub complex in Delhi in India today madrasas continue to play an important role as part of country's overall educational system madrasa ये एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है विद्यालय इस्लामी परंपरा में मदरसा बच्चों को पढ़ाने और उनके तथा उनके अध्यापकों के निवास के काम में भी आता था प्रारंभ में मदरसा की पाठ्यचर्या में कुरान और हदीस को पढ़ाना ही शामिल था लेकिन आगे चलकर उनकी पाठ्यचर्या में व्याकरण साहित्य गणित तर्कशास्त्र और प्राकृतिक विज्ञान आदि विषयों को भी जोड़ दिया गया मध्यकाल में इस्लामिक राज्यों के लगभग सभी महत्वपूर्ण केंद्रों में मदरसे जोर शोर से चल रहे थे इस काल के दौरान भारत में स्थापित प्राचीनतम मदरसों में से एक मदरसा दिल्ली में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अर्थात बारह सौ छियानवे से तेरह सौ सोलह ईस्वी द्वारा कुतुब अहाते में शुरू किया गया था भारत में आज भी मदरसे देश की समग्र शिक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं मदरसा यह अरबी लफ्ज है जिसका मतलब स्कूल है इस्लामी रिवायत के लिहाज से मदरसे तालबा और इस के लिए दरसो तदरीस और रिहाइश दोनों के लिए काम आते थे इब्तदा में मदरसे का निसाब कुरान और हदीस पर मुश्तमल था बाद में कवायद अदब रियाजी मंत और उलूम तबिया को भी निसाब में शामिल कर लिया गया वस्ता में इस्लामी हुकूमतों की तकरीबन तमाम अहम रियासतों में मदारस कायम किए गए थे हिंदुस्तान में सबसे कदीम मदरसा इसी दौर में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बारह सौ छियानवे तेरह सौ ईस्वी ने दिल्ली की सरजमीन पर क़ुतुब अहाते में कायम किया था हिंदुस्तान में आज भी मदारिस मुल्क के मजमू निज़ाम तालीम के एक हिस्से के तौर पर अहम ख़िदमात अंजाम दे रहे हैं महादंड नायक The term refers to a high ranking judicial or military officer mentioned frequently in seals and inscriptions from circa 300 CE onwards. The composer of the Elabad Prashasti, Harishena, a Mahadandanayak, was the son of a Mahadandanayak, suggesting thereby the hereditary nature of this post. Mahadandanayak. इस शब्द का तात्पर्य उच्च पद पर आसीन न्यायिक या सैन्य अधिकारी से है जिसका उल्लेख ईसा की तीसरी शताब्दी और उसके बाद के उत्कीर्ण लेखों और मुद्राओं पर बहुतायत से मिलता है इलाहाबाद प्रशस्ति का रचनाकार हरिष्ण एक महादंडनायक था और वो स्वयं भी एक महादंडनायक का पुत्र था जिससे ये प्रतीत होता है कि महादंडनायक का पद वंशानुगत किस्म का होता था पेज 77 नायक इस इस्तलाह से मुराद आला अदालती या फौजी अफसरान हैं जिनका जिक्र तीन सौ सदी ईस्वी और उसके बाद की मोहरों और कुदबों में बकसरत मिलता है अलाहाबाद प्रशस्ति का कातिब हरीशेण एक महादंड नायक था और वो खुद एक महादंड नायक का बेटा था इससे अंदाजा होता है कि ये मनसब मरोसी नौत का होता था Mahajanapadas The term refers to the states that emerged in the 6th to 5th century BCE in an area stretching from Gandhara in the northwest to Anga in eastern India extending into the Malwa region 16 in number these Mahajanapadas are mentioned in Buddhist and Jain texts these often had fortified capital cities and some viz Magadha maintained standing armies, regular bureaucracies, and to some extent had institutionalized means of resource mobilization. Mahajanapadas were both monarchical and non monarchical, that is Ganasanghas in nature. Some important monarchies were Magadha. काशी कोसला अवंती एंड द वर, द वज्जी मल्ल एंड आदर्श महाजनपद इस शब्द का तात्पर्य उन राज्यों से है जो पांचवीं से छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान पश्चिमोत्तर भारत में गांधार से पूर्व में अंग तक तथा मालवा प्रदेश तक फैले हुए थे इन महाजनपदों की संख्या सोलह थी और इनका उल्लेख बौद्ध और जैन ग्रंथों में मिलता है इन महाजनपदों की राजधानियां अक्सर किलेबंद होती थीं और उनमें से कुछ अर्थात जैसे मगध के पास अपनी स्थायी सेनाएं और नियमित नौकरशाही तथा कुछ सीमा तक संसाधन जुटाने की संस्थागत व्यवस्था भी थी महाजनपद राजतंत्रीय और गैर राजतंत्रीय अर्थात गणसंघ दोनों प्रकार के होते थे कुछ महत्वपूर्ण राजतंत्र मगध काशी कोसल और अवंती थे और गणसंघ थे वज्जी मल्ल आदि महाजनपद इस इस्तिला से मुराद वो रियासतें हैं जो पांचवीं से छठी सदी कबल मसीह उन इलाकों में उभर के सामने आईं जो शुमाली मगरब में गंधार से लेकर मशरकी हिंद में गंगा और मलवा के इलाके तक फैली हुई थी इन महाजनपदों की तादाद सोलह थी जिनका जिक्र बौद्ध मत और जैन मत के मतून में किया गया है ये महाजनपद अक्सर व बेशतर हुकूमत के शहरों को किलाबंद करते थे बाज़ मसलन मगध मुस्तकिल फौज और बाकायदा अफसरशाही और किसी हद तक बाजाबता फौजी तकर्री के लिए इदारों का एहतमाम करते थे महाजनपद अपनी नौयत के लिहाज से शहनशाही या गैर शहनशाही यानी जमहूरियत दोनों तरह के थे चंद अहम शहनशाहियत में मगध काशी कौशाल अवंती और गणसंग में वज्जी और मल्ला वगैरह के नाम यहां बयान किए जा सकते हैं महलवारी द सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू assessment दैट हैड been इंट्रोड्यूस्ड इन द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस बाय द रेगुलेशन ऑफ and subsequently amended by the regulation of eighteen thirty three was known as the Mahalwari system. Under this system the demands of revenue were assessed Mahalwise, that is, often comprising a whole village or a part of that, as a proportion of the rent, and not as a share of the produce. Accordingly, the settlement was made between the government and the Mahal as a whole, which was obliged to pay the stipulated amount of land revenue through the village headman or the Lambardar. On their part, the Lambardars collected the shares of this stipulated amount from individual landholders or villagers according to their respective landholdings. Initially, under this system, the demand for revenue had been fixed at 80% of the rental. However, subsequently, it was reduced to 66% and then ultimately to 50% by the Saharanpur rules in 1855. Besides, under this system, the demands of revenue were not fixed forever, but revised after a period of 20 or 30 years. The settlement officers appointed by the government made the assessments in consultation with the Lambardars and the village bodies, which also kept in their possession the settlement records. Based on its success, the system was subsequently applied in the whole of northern India as well as the central provinces. However, contrary to the claims of the government the system made the lombardars and village headmen as influential intermediaries between it and the villages to the detriment of the latter's economic well being mahalwari इस शब्द का तात्पर्य भू राजस्व निर्धारण की उस प्रणाली से है जो पश्चिमोत्तर प्रांत में 1822 के विनिमय द्वारा लागू की गई थी और आगे चलकर 1833 में संशोधित कर दी गई थी इस प्रणाली के अंतर्गत राजस्व की मांग उत्पादन के हिस्से के रूप में नहीं बल्कि किराए के अनुपात में महाल अर्थात एक संपूर्ण गांव या उसका हिस्सा के अनुसार निर्धारित की जाती थी इसलिए समझौता सरकार और कुल मिलाकर उस महाल के बीच होता था जो गांव के मुखिया या लंबरदार के माध्यम से भू राजस्व की निर्धारित राशि को अदा करने के लिए उत्तरदायी होता था लंबरदार हर एक भूस्वामी या ग्रामीण से उनके स्वामित्व वाली जमीनों के हिसाब से निर्धारित राशि का हिस्सा इकट्ठा करते थे प्रारंभ में इस प्रणाली के अंतर्गत राजस्व की मांग किराए के 80 प्रतिशत के बराबर निर्धारित की गई थी किंतु आगे चलकर इसे घटाकर 66 प्रतिशत कर दिया गया और फिर 1855 में सहारनपुर नियमों के अंतर्गत अंतिम रूप से इसे नीचे 50 प्रतिशत पर ला दिया गया इसके अलावा इस प्रणाली के अंतर्गत भू राजस्व की मांगों को सदा के लिए निर्धारित नहीं किया जाता था बल्कि उन्हें 20 या 30 वर्ष की अवधि के बाद संशोधित किया जाता था सरकार द्वारा नियुक्त किए गए बंदोबस्त अधिकारी उन लंबरदारों और ग्रामीण निकायों के साथ जिनके पास बंदोबस्त संबंधी अभिलेख होते थे सलाह मशवरा करके राजस्व का निर्धारण करते थे इस प्रणाली की सफलता को देखकर उसे आगे चलकर संपूर्ण उत्तर भारत में और मध्य भारत के प्रांतों में भी लागू कर दिया गया किंतु सरकारी दावों के विपरीत इस प्रणाली ने सरकार और ग्रामीणों के बीच बिचौलियों के रूप में लंबरदारों और गांव के मुखियाओं को इतना अधिक प्रभावशाली बना दिया कि इससे ग्रामीण किसानों की आर्थिक स्थिति को भारी धक्का लगा पेज सेवेंटी एट महालवाड़ी ये मालगुजारी मुतयन करने का एक तरीका था जो शुमाली मगरबी सूबे में 1822 के जबते के जरिए नाफिज किया गया था और बाद में 1833 के जबते के तहत इसमें इसलाह की गई इस निजाम के तहत मालगुजारी के मुतालबत का तयन पैदावार पर हिस्से के बजाय किराए के तौर पर महाल यानी बासा औकात पूरे गांव या गांव के एक हिस्से पर मुश्तमल होता था के मुताबिक किया जाता था इस लिहाज से मालगुजारी का मुकम्मल तौर पर बंदोबस्त हुकूमत और उस महाल के दरमियान किया जाता था जो गांव के मुखिया या लंबरदारों के जरिए मुतना मकदार में मालगुजारी अदा करने का जिम्मेदार था लंबरदार अपने तयन मकान ज़मीन से फर्दन फरदन या पूरे गांव वालों से उनकी जमीन के एतबार से मुक्रा मालगुजारी वसूल करते थे इब्तदन इस निजाम के तहत मालगुजारी का मुतालबा किराए की आमदनी का अस्सी फीसद मुक्र किया गया था ताहम बाद में छियासठ फीसद तक और अट्ठारह सौ पिचानवे में सहारनपुर के जब्ते के तहत पचास फीसद तक घटा दिया गया था उसके अलावा इस निजाम के तहत मालगुजारी के मुालिबा को हमेशा के लिए मुकर नहीं किया गया था बल्कि बीस तीस बरस के बाद इस पर नज़रसानी की जाती थी हुकूमत की तरफ से मुक्रा होने वाले बंदोबस्त के अफ़सरान इन लंबरदारों और गांव वालों से रुजू करने के बाद लगान की तख्सीस करते थे जिनके पास भी गांव के रिकॉर्ड होते थे इस निजाम में कामयाबी मिलने की वजह से इसे पूरे शुमाली हिंदुस्तान के साथ साथ मरकजी सूबे में भी नाफि किया गया था ताहम हुकूमत के दावे के बरखिलाफ इस निज़ाम ने नंबरदारों और गाँव के मुखियों को हुकूमत और गाँव वालों के दरमियान इस कदर मुसर सलसी बना दिया था कि उससे गांव वालों के इकतसदी आसूदगी को काफी नुकसान पहुंचा। पहुँचा इट इज इन अरेबिक वर्ड Which refers to the bride price given by a bridegroom to a bride in an Islamic marriage. The amount of the meher is generally decided upon, taking the position of the bride and the bridegroom into consideration by their respective negotiators. Meher forms an obligatory part of an Islamic marriage. इट इज नॉट द सेम एज द परचेस मनी एज इस्लामिक ट्रेडिशन प्रोहिबिट्स द ब्राइट टू बी कंसिडर्ड एज अ प्रॉपर्टी मेहर यह एक अरबी शब्द है जो इस्लामी शादी में दूल्हे द्वारा दुल्हन को दी जाने वाली दुल्हन की कीमत का सूचक है मेहर की राशि का निर्धारण आमतौर पर दुल्हन और दूल्हे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनकी ओर से बातचीत करने वाले बिचौलियों द्वारा किया जाता है मेहर इस्लामी शादी का अनिवार्य हिस्सा होता है किंतु मेहर खरीद की रकम से भिन्न होता है क्योंकि इस्लामी परंपरा में दुल्हन को जायदाद नहीं माना जा सकता यह अरबी लफ्ज है जिससे मुराद हके दुल्हन है जो कि इस्लाम में निका के वक्त दुल्हन को दूल्हा की तरफ से मिलता है मेहर की रकम आमतौर पर तरफीन यानी दूल्हा दुल्हन के माली हालात के पेश नज़र आपसी गुफ्तु के बाद मुकर की जाती है इस्लाम में महर निका का लाजमी हिस्सा है ताहम इसकी हैसियत ख़रीदारी की नहीं होती क्योंकि इस्लाम में दुल्हन यानी औरत को जायदाद तस्वुर नहीं किया जाता मकतुबात द टर्म रेफर्स टू लेटर्स दैट यूज टू बी रिटर्न बाई सूफी मास्टर्स टू द डिसाइपल्स एंड एसोसिएट्स responding to the letters both spiritual and mundane difficulties and aspirations by sharing their own spiritual experiences one such famous collection of letters is maktubat imam rabbani written in persian by the naqshbandi sufi sheikh Ahmad sirhindi to his friends and followers in india and to the north of the river amudarya in central asia maktubat ये शब्द सूफ़ी संतों द्वारा अपने मुरीदों और शागिर्दों को लिखी जाने वाली उन चिट्ठियों का सूचक था जिनमें वे अपने आध्यात्मिक अनुभवों के आधार पर अपने मुरीदों तथा शागिर्दों की आध्यात्मिक तथा सांसारिक कठिनाइयों और जिज्ञासाओं का उत्तर देते थे ऐसी चिट्ठियों का एक प्रसिद्ध संग्रह है मक्तुबाते इमाम रब्बानी जो नक्शबंदी सूफी शेख अहमद सरहिंदी द्वारा भारत में तथा मध्य एशिया में दरिया के उत्तर में रहने वाले अपने मित्रों तथा अनुयायियों को फारसी भाषा में लिखी गई थी मक्तुबात इससे मुराद वो खतूत हैं जिन्हें सूफी शेख अपने मुरीदीन और मुतबीन को अपने रूहानी तजुर्बात की रोशनी में उन्हें दरपेश दुनियावी और रूहानी मुश्किल का हल बताने के लिए लिखा करते थे इस कस्म के ख़तूत पर मुशतमल एक मशहूर मजमुआ मकतुबात इमाम रब्बानी है जिसे नक्शबंदी सूफी शेख़ अहमद सरहिंदी ने हिंदुस्तान और वस्ती एशिया में मौजूद अमूदरिया के शुमाल में आबाद रफ़ीक़ों और मुरीदों को फ़ारसी जबान में लिखा था malfuzat the term refers to conversations of sufi saints that were compiled by different sufi orders that is silsila with the saints that is sheikhs apparent consent a famous early text on malfuzat is the fawaid ul fuad compiled by a noted persian poet amir hasan sijzi dehlvi इट कंटेन्स द कॉन्वर्सेशंस ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया द फेमस सेंट ऑफ डेली मलफुजात इस शब्द का तात्पर्य सूफी संतों के उन वार्तालापों से है जो उन संतों अर्थात शेखों की अनुमति से भिन्न भिन्न सूफी सिलसिलों द्वारा संकलित किए गए थे इसका एक पुराना प्रसिद्ध उदाहरण मशहूर फ़ारसी शायर अमीर हसन सिज्जी देहलवी द्वारा संकलित उल फुआद है इसमें दिल्ली के सुप्रसिद्ध सूफ़ी शेख निज़ामुद्दीन औलिया के वार्तालापों का संग्रह है मलफ़ुज़ात इससे मुराद सूफ़ी बुज़ुर्गों की क़लीमात हैं जिन्हें मुख्तलिफ़ सिलसिले के सूफ़ियों ने अपने शेख की वाज़ तस्दीक के बाद मुद्विन किया फारसी जबान के मशहूर शायर अमीर हसन सज्जी दहलवी की मुरतब करदा फवाद उल्फुआद मलफुजात का एक इब्तदाई मशहूर मतून है इसमें दहली के मशहूर बुजुर्ग शेख निज़ामुद्दीन ओलिया के कलिमात यानी मलफुज़ात को यकजा किया गया है पेज सेवेंटी नाइन मनसब मन सिस्टम The term literally means a rank or a position. A holder of such a rank under the Mughals was known as a Mansabdar. The Mansabdars, as per their rank, were required to perform either civil or military or both civil and military duties. But, irrespective of their nature of duties, that is, military or civil, they were all placed on military payroll. The origin of the system went back to Genghis Khan who organized his army on a decimal basis that is multiples of 10 the lowest unit of command being consisted of 10 and the highest of 10000 troopers mansabs were assigned usually on the basis of merit and the actual number of troopers that were maintained by the mansabdars however Mansabs above 5000 troopers were generally reserved for the princes. Besides, in certain cases, Mansabdars were also paid in cash in lieu of assignment of territory, that is, Jagir. According to the Aine Akbari, there were 33 Mansabs which had been established during Akbar's time. There was a threefold hierarchical division among the persons who held these mansabs depending upon their Zaat and Savar ranks. A person who maintained as many savars as his Zat rank belonged to the first category. The person who maintained half or more savars in relation to his Zat rank belonged to the second category. And the person who maintained less than half of the number of savars in relation to his zat rank belonged to the third category. Within the gradual expansion of the Mughal Empire, several discrepancies entered into the mansabdari system, making it one of the factors responsible for the decline of the empire during the late seventeenth and early eighteenth centuries. See also zat, savar. मनसब मनसबदारी प्रणाली मनसब शब्द का शाब्दिक अर्थ है एक ओहदा या पद मुगलों के शासनकाल में ऐसे ओहदे को धारण करने वाले व्यक्ति को मनसबदार कहा जाता था मनसबदारों को अपने ओहदे के अनुसार नागरिक अथवा सैनिक कार्य अथवा दोनों यानी नागरिक तथा सैनिक कार्य करने पड़ते थे लेकिन वे चाहे किसी भी प्रकार के अर्थात सैनिक अथवा नागरिक कार्य करते थे उन सब के नाम सैन्य वेतन सूची में ही रखे जाते थे इस प्रणाली की शुरुआत चंगेज खां के शासनकाल में ही हो चुकी थी जिसने अपनी सेना को दशमलव पद्धति अर्थात दस के गुणाओं में संगठित किया था जिसमें कमान की सबसे छोटी इकाई दस सैनिकों की और सबसे बड़ी इकाई दस हजार सैनिकों की होती थी मनसब आमतौर पर मनसबदारों के गुणों और उनके द्वारा रखे जाने वाले सैनिकों की वास्तविक संख्या के आधार पर सौंपी जाती थी किंतु पांच हजार से अधिक सैनिकों वाली मनसबें आमतौर पर राजकुमारों के लिए आरक्षित रहती थीं। इसके अलावा कई मामलों में मनसबदारों को जागीर न देकर उसके बदले नगद रकम दी जाती थी आईन अकबरी के अनुसार अकबर के शासनकाल में 33 मनसबें स्थापित की गई थीं इन मनसबों के धारक व्यक्तियों यानी मनसबदारों की तीन छोटी बड़ी श्रेणियां होती थीं जो धारकों के जात ओहदे और सवार ओहदे पर आधारित थीं जो मनसबदार अपने जात उहदे जितने सवार रखता था वो पहली श्रेणी का मनसबदार होता था जो मनसबदार अपने ज़ात उहदे की तुलना में आधे या अधिक सवार रखता था वो दूसरी श्रेणी में आता था और जो व्यक्ति अपने ज़ात उहदे की तुलना में आधे से कम सवार रखता था वो तीसरी श्रेणी का समझा जाता था ज्यो ज्यो मुगल साम्राज्य का विस्तार होता गया मनसबदारी प्रणाली में अनेक विसंगतियां आती गईं और आगे चलकर सत्रहवीं शताब्दी के आखिरी दशकों और 18वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में ये विसंगतियां मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनी जात सवार भी देखें मनसब निजाम मनसबदारी इस्ते इस यानी मनसब का लघवी मफहम दर्जा या ओहदा है मुग़लों के दौर में मनसब पर फाइज होने वाले को मनसबदार कहा जाता था मनसबदार को अपने मनसब के मुताबिक शहरी या फ़ौजी या फिर दोनों तरह की जिम्मेदारियां निभानी पड़ती थीं। ताहम उनके फराइज यानी फ़ौजी या शहरी की नौीयत का लिहाज किए बगैर फ़ौजी तनख्वाह की फहरिस्त में दर्ज किया जाता था इस निज़ाम की शुरुआत चंगेज़ खान ने की थी जिसने अपनी फौज को निज़ाम एशारिया यानी दस का ज़रब इसमें सबसे छोटा दस्ता दस और सबसे बड़ा दस्ता दस हज़ार जंगजुओं पर मुश्तमल होता था के तहत मुनज़म किया था ये मनसब आमतौर पर एहलियत और फौजों की सही तादाद की बुनियाद पर दिया जाता था जिसका इंतज़ाम व इंसराम मनसबदार करते थे ताहम पांच हजार से ज्यादा फौजियों वाले मनसबदार बिलूम शहजादों के लिए मखसूस रहते थे में मनसबदारों को जागीर के बजाय नकद तनख्वाह दी जाती थी अकबरी के मुताबिक तैतीस अकबर के दौर में तरतीब दिया गया था फर्क मरातब के लिहाज से जात और सवार मनसब पर फाइज मनसबदारों के तीन दर्जे थे अपनी ज़ात के अहदे के बराबर सवार रखने वाले को अव्वल दर्जे में रखा जाता था जात से निस्फ या निसफ से ज्यादा सवार वाले को दूसरे दर्जे और निस्फ से भी कम सवार वाले को तीसरे दर्जे में शुमार किया जाता था रफ्ता रफ्ता-रफ्ता मुमलिकत मुगलिया की तोसी के साथ साथ बहुत से तजादात इख्तलाफ निज़ाम मंसबदारी में दाखिल हो गए जो कि सत्रवीं सदी के अवखिर और अठारहवीं सदी के अवाइल में हुकूमत के जवाल का सबब बन गए मजीद देखें जवार मसनवी द टर्म रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ राइटिंग पोएट्री दैट डेवेलप्ड इन परजिया फ्रॉम द थर्थ सेंचुरी बी सी ई टू नाइन्थ सेंचुरी सी ई इन विच राइम्ड वर्सेज व यूज्ड एज देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक मसनवी वॉज मेनली यूज टू कंपोज हेरोइक हिस्टोरिकल एंड रोमैंटिक पोएट्री In medieval India, mainly Sufis including Amir Khusro often used masnavis to compose long poems to express the ideas of divine love using human love as an allegory. The famous love epic Padmavat of Malik Muhammad Jayasi, which revolved around the love story of Padmini and Ratnasena, the ruler of Chittor, is a fine example of the use of Masnavis in such compositions. Page 80. Masnavi. यह शब्द काव्य लेखन की एक शैली का सूचक है जो फारस में तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से ईसा की नौवीं शताब्दी के बीच विकसित हुई थी इस शैली के काव्यों की मुख्य विशेषता इनके पदों का छंदोबद्ध होना था मसनवी शैली का प्रयोग मुख्य रूप से वीर तथा रस के काव्यों अथवा ऐतिहासिक काव्यों में किया जाता था मध्यकालीन भारत में मुख्य रूप से अमीर खुसरो जैसे सूफ़ी कवियों ने अक्सर लंबे काव्यों की रचना करने के लिए मसनवियों का इस्तेमाल किया जिसमें उन्होंने अन्योक्ति के रूप में मानवीय प्रेम का प्रयोग करते हुए दैवीय प्रेम के भावों को अभिव्यक्त किया मलिक मोहम्मद जायसी का सुप्रसिद्ध प्रेम महाकाव्य पद्मावत ऐसी रचनाओं में मसनवियों के प्रयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है इस महाकाव्य की कथा चित्तौड़ के शासक रत्नसेन और पद्मिनी के प्रेम प्रसंगों से ओतप्रोत है मसनवी इस इस्तिला से मुराद शायरी की एक हयत है जिसकी नशोनुमा तीसरी सदी कबल मसी और नौवीं सदी ईस्वी के दौरान फारिस यानी मौजूदा ईरान में हुई थी इसमें बिलखसूस काफिया बंद अशार का इस्तेमाल किया जाता था मसनवी का इस्तेमाल ख़ास तौर पर शजात पर मुबनी कारनामे तारीखी और रुमानी शायरी के लिए किया जाता था एहदोवस्ता में बिलखसूस सूफिया मसलन अमीर खुसरो ने खुदा से अपनी मोहब्बत का बतौर तमसील इंसानी मोहब्बत के तनाजिर में इजहार करने के लिए तवील नज़मों में अक्सर बेशतर मसनवी तर्ज इख्तियार किया है मलिक मोहम्मद जैसी का मशहूर इश्किया रजमन पदमावत मसनवी तर्ज की एक बेहतरीन मिसाल है जिसका महवर पद्मनी और चित्तौड़ के हुक्मरान रतन सिंह का इश्किया अफसाना है मेट्रिलिनी अ टर्म यूज टू कन्नोट डिसेंट ट्रेस्ड थ्रू द मदर मातृवंशता माता के माध्यम से वंश परंपरा या वंशानुक्रम को दर्शाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है मादरे नजबी यानी आली। इस इसलाह का इस्तेमाल मां की तरफ से चलने वाली नस्ल को बयान करने के लिए किया जाता है मेगा द टर्म डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स मेगा एंड लिथोस लिटरली मींस लार्ज स्टोन द टर्म इज ऑफन अप्लाइड टू फ्यूनररी मॉन्यूमेंट्स मेड ऑफ लार्ज स्टोन्स फाउंड इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लाइक यूरोप Asia, Africa, and in Central and South America. In the Indian subcontinent they occur, that is, circa 1000 BCE to the early centuries CE in the far south, the Deccan Plateau, and Vindhya and Aravali ranges, and the northwest. Some important types of megaliths were rock-cut tombs, umbrella stones, etc. The megaliths reflect different kinds of funerary practices extended, fractional, post-excarnate, and post-cremation burials. Some burials contained the remains of more than one person, also. The megaliths contained black and red ware, black polished ware, red polished ware, iron tools and weapons, bronze vessels and ornaments, and a few gold ornaments. सम मेगालिथ्स आर funerary साइट्स while अदर्स आर probably मेमोरियल्स फॉर द डेड द मेगालिथ बिल्डर्स सीम टू हैव been agro pastoral communities महापाषाण अंग्रेजी का मेगालिथ शब्द यूनानी भाषा के दो शब्द मेगा और लिथोस से मिलकर बना है जिनमें मेगा का अर्थ है बड़ा और लिथोस का अर्थ है पत्थर ये शब्द अक्सर विशाल शिलाओं से बने और दुनिया के अनेक हिस्सों जैसे यूरोप एशिया अफ्रीका और मध्य तथा दक्षिणी अमेरिका में पाए गए अंत्येष्टि स्मारकों के लिए प्रयोग में लाया जाता है भारतीय उपमहाद्वीप में ये अर्थात 1000 ईसा पूर्व से ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों के बीच सुदूर दक्षिण में दक्कन के पठार में विंध्य और अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं में और पश्चिमोत्तर क्षेत्र में पाए गए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रकार के महापाषाण थे चट्टान काटकर बनाई गई कब्रें और छतरी नुमा पत्थर इत्यादि इन महापाषाणों से पता चलता है कि उस समय अंत्येष्टि की भिन्न भिन्न प्रकार की पद्धतियां प्रचलित थीं, जैसे विस्तारित आंशिक दहापूर्व और दहापश्चात कुछ कब्रों में एक से अधिक व्यक्ति के अवशेष रखे होते थे कब्रों में रखी गई चीज़ें कई तरह की होती थीं जैसे काले और लाल बर्तन काले ओपदार बर्तन लाल ओपदार बर्तन लोहे के औज़ार और हथियार कांसे के बर्तन और गहने एवं कुछ सोने के गहने कुछ महापाषाण अंत्येष्टि स्थल होते थे तो कुछ अन्य संभवतः मृतकों के स्मारक होते थे ऐसा प्रतीत होता है कि महापाषाण निर्माता कृषि पशुपालक समुदाय के रहे होंगे मेगालिथ ये अजिला दो यूनानी लफ्ज मेगा और लिथोस से मुश्तक है जिसके लघवी मायने बड़ा पत्थर है इस अजिला का इतलाक अक्सर और बेशतर बड़े पत्थरों के स्लैब से तैयार करदा तत्वीनी आसारों पर होता है जो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों मसलन यूरोप एशिया अफ्रीका और वस्ती व जुनूबी अमेरिका में दरियाफ्त हुए हैं बर सगीर में इस तरह की यादगारें तकरीबन हजार कबल मसीह तब्तदाई सदी ईसवी जुनूब में दक्कन के नशीबी इलाकों विंध्या अरावली पहाड़ों के कतार और शुमाल मगरब से बरामद हुई है चट्टानों को काटकर कर बनाए गए मकबरे और छतरी नुमा पत्थर वगैरह मेगालित यानी संकला की बाज अहम किस्में हैं मेगालित मुख्तलिफ किस्म की तदवीनी तरीकों मसलन कुशादा और तंग कबरों और दफनाने से पहले और बाद की रसूमत वगैरह पर रोशनी डालते हैं बाज तदफीनी मकामात से एक से ज्यादा लोगों की बाकियत दरियाफ्त हुई है इन तदफीनी मकाम से मिट्टी का सिया व सुरख बर्तन मिट्टी का सिया पॉलिशुदा बर्तन मिट्टी का पॉलिश पॉलिशुदा बर्तन लोहे के औजार और असले कांसे के बर्तन जेवरात और सोने के चंद गहने वगैरह भी दरियाफ्त हुए हैं बाज मेगाल तो साफ तौर पर तदफीनी मकाम थे जबकि दीगर मकामा गालिबन मुर्दों की यादगार थे ऐसा लगता है कि मेगालथिक मैमारों का ताल्लुक किसान और चरवाहों के तबके से था मेसोअमेरिका अमेरिका द वर्ड मेसो और मेसोस इन ग्रीक मीन्स मिडल डिराइव फ्रॉम इट द टर्म मेसो अमेरिका रेफर्स टू मिडल अमेरिका ज्योग्राफिकली दिस रीजन कंप्राइजेस सर्दर्न मैक्सिको ग्वाला बिलीज एल सेल्वाडोर हॉन्डुरास निकारागोआ एंड कॉस्टेरिका बिफोर दी एक्सप्लोरेशन ऑफ कोलम्बस दिस एरिया वॉज द सीट ऑफ द ओलम्पिक एंड मायन सिविलाइजेशन मध्य अमेरिका अंग्रेजी के मेसो उपसर्ग का यूनानी भाषा में अर्थ मध्य होता है इसी से बने मेसो अमेरिका शब्द का अर्थ है मध्य अमेरिका भौगोलिक दृष्टि से इस क्षेत्र में दक्षिणी मेक्सिको, ग्वाटेमाला बेलीज एल सेल्वाडोर होंडुरास, निकारागुआ और कोस्टारिका शामिल हैं कोलंबस की खोजों से पहले इस क्षेत्र में ऑल्मिक और माया सभ्यताएं फल फूल रही थीं। मैसो अमेरिका यूनानी जबान में लफ्ज मैसो या मैसोस के मायने वस्त हैं इससे मुश्तक इस मैसो से मुराद वस्ती अमेरिका है जोग्राफियाई लिहाज से इसमें जुनूबी मैक्सिको ग्वाटेमाला बेलीज एल सेल्वेडोर हॉन्डुरस निकारागुआ और कोस्टारिका वगैरह शामिल हैं कोलंबस की दरियाफ्त से पहले ये मयानी और ओलमिक तहजीब का इलाका था मैसोलिथिक Also known as the Middle Stone Age, the term refers to a transitional period between the Paleolithic and Neolithic ages, often characterized by microlith tool types. People who devised these tools belonged to hunting and gathering groups that existed about 10,000 years ago. Mesolithic cultures survived in different parts of the Indian subcontinent until the beginning of the Common Era and the use of microliths continued well beyond the mesolithic period today the transition from foraging to cultivation and domestication of animals of mesolithic period is treated as less abrupt and more continuous from the paleolithic period madhya Pashan. yugin पुरापाषाण युग और नवपाषाण युग के बीच के काल को मध्य पाषाण युग कहा जाता है छोटे छोटे पत्थरों के औजार इस युग की प्रमुख विशेषता थे जिन लोगों ने इन औजारों का आविष्कार किया था वे शिकारी और संग्राहक समूह के थे जो लगभग दस हजार वर्ष पहले रहे होंगे मध्य पाषाण युगीन संस्कृतियां उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भिन भागों में ईसा युग के प्रारंभ तक अस्तित्व में रहीं और पाषाणीय औज़ार मध्य युग के बाद भी जारी रहे आज ऐसा माना जाता है कि खाद्य संग्रहण से खेती करने और मध्य पाषाण युग में पशुओं को घरेलू बनाने तक का संक्रांति काल अचानक नहीं शुरू हुआ होगा वो पूरा पाषाण युग में ही शुरू होकर आगे जारी रहा होगा वस्त हिजरी दौर इस इस्तिला से मुराद कदीम हिजरी और जदीद हिजरी दौर के दरमियान पाए जाने वाला उबूरी दौर है छोटे पत्थर के औजारों का इस्तेमाल इस दौर की खास खसूसियत थी ये शिकारी और ग़ज़ाई अजनास जमा करने वालों का एक गिरोह था जो तकरीबन दस हज़ार साल पहले मौजूद रहे होंगे वस्त हिजरी दौर की तहजीबें बर्रे सगीर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में ईसवी सदी के आगाज़ तक बाकी थीं और संगरेज़ों का बेहतर इस्तेमाल वस्त हिजरी दौर के बाद तक जारी था आज गज़ाई अजनास की तलाश से काश्कारी की तरफ मुंतकिल और वस्त हिजरी दौर में जानवरों की परवरिश रफ्तार रफ्तार अमल में आई और कदीम हिजरी दौर से वाबस्ता ये तसलसल बरकरार रहा होगा बेटलर्जी द टर्म रेफर्स टू दाइंस द डील्स विद अंडरस्टैंडिंग द फिजिकल नेचर ऑफ मेटल्स प्रोसीजर्स इन्वाल्व इन एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्राम देअर ओर्स थ्रू माइनिंग फाइंग एंड क्रिएटिंग टूल्स एंड ऑब्जेक्ट्स धातु कर्म एक ऐसा विज्ञान है जिसमें धातुओं की भौतिक प्रकृति को समझना खानों से निकाले गए खनिजों से धातु निकालने की प्रक्रिया उसका शोधन करना और औजार तथा अन्य चीजें बनाना शामिल है धातकारी, यानी फलजियात इसलाह से मुराद एक साइंस है जो धातों की तब्दीली नौीय को समझने में मदद और ऐसे तरीका कार से रोशनास कराता है जिसकी मदद से धात के कान से खाम धातें निकाली जाती हैं और उसमें उनको साफ करना और औजार व दीगर सामान भी तैयार करना शामिल है माइक्रोलिट्स, द टर्म रेफर्स टू स्मॉल स्टोन टूल्स मेजरिंग बिटवीन वन टू फाइव सेंटीमीटर्स इन लेंथ

ये औजार पुरापाषाण युग के अंतिम वर्षों में और विशेष रूप से मध्य पाषाणयुग के दौरान बड़ी मात्रा में बनाए गए थे वे आमतौर पर चर्ट चेल्सेडोनी जास्पर और एगेट से बनाए जाते थे तराशिदा पत्थरों के औजार इस इस्तिला से मुराद छोटे छोटे पत्थरों के औजार से है जिनकी लंबाई एक से पांच सेंटीमीटर होती थी इस कस्म के औजार कदीम हिजरी दौर के अवाखिर और खासतौर पर वस्त हिजरी दौर में बाकसरत तैयार किए जाते थे ये आमतौर पर संग यमानी अकीक अबेज जैस्पर और संग सुलेमानी से तैयार किए जाते थे मेहराब इट इज एन अरेबिक वर्ड विच इज यूज टू रेफर टू द नीच विच इन अ मॉस्क इंडिकेट्स द डायरेक्शन फॉर प्रेयर्स बला ट द काबा इन मैका इन इंडिया इट पॉइंट टूवर्ड्स दहराब यह अरबी भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग किसी मस्जिद के नमाज घर की दीवार पर बने खांचे के लिए किया जाता है जो मक्का में काबा की तरफ मुंह करके नमाज अदा करने की दिशा का सूचक होता है भारत में ये पश्चिम की ओर संकेत करता है मेहराब यह अरबी लफ्ज है जिसका ताल्लुक अंदरून मस्जिद बने हुए ताकनुमा हिस्से से है जो नमाज अदा करने के लिए मक्का में काबा यानी किबला रुख की निशानदेही करता है हिंदुस्तान में ये मगरिब की जानब पड़ता है मीनार इट इज एन अरेबिक वर्ड विच रेफर्स टू अ टावर बिल्ट एडजस्टेंड टू अ मॉस्क फ्रॉम वेयर कॉल टू प्रेयर दैट इज अजान इज गिवन बाय मुआजन although a minar is considered an important component of a mosque it is not found in all mosques the tapering that is gradually narrowing minaret of red sandstone built in the southeast corner of the kowatul islam mosque in the kuttub complex in delhi is one of the finest examples of such minars it is built following the style of iranian minarets page eighty two मीनार ये अरबी भाषा का शब्द है जो मस्जिद से जोड़कर बनाए गए उस ऊंचे बुर्ज का सूचक है जिस पर चढ़कर मुहजिन अजान देता है हालांकि मीनार को एक मस्जिद का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है पर यह सभी मस्जिदों में नहीं पाई जाती दिल्ली में कुतुब अहाते में स्थित कवत्तुल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण पूर्वी कोने में लाल बलुआ पत्थर से बनी क्रमशा ऊपर की ओर पतली होती गई मीनार ऐसी मीनारों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है ये मीनार ईरानी मीनारों की शैली के अनुसार बनाई गई है मीनार ये अरबी लफ्ज़ है जिससे मुराद मस्जिद से मुत्सल तमीरशुदा बुर्ज है जहाँ से मौजिन नमाज के लिए अजान देता है अगरचे मीनार को मस्जिद का लाजमी जुज तसवर किया जाता था ताहम ये तमाम मस्जिदों में नहीं पाया जाता इसकी बेहतरीन मिसाल दहली में कुतुब अहाते में तामीर शुदा मस्जिद इस्लाम, यानी यानि इस्लाम के जुनूब मशरकी हिस्से में लाल पत्थर से बना हुआ मीनार है जो अपनी बुलंदी की जानब रफ्ता रफ्ता पतला होता चला गया इस मीनार को ईरानी मीनारों के तर्ज पर बनाया गया है द टर्म रेफर्स टू द स्टेप्ड पल्पिट इन अ मॉस्क फ्रॉम व्हिच द खातिब रिसाइड द खुतबा दैट इज समन द मिंबर इज इनवेरेबली प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द मेहराब सी आल्सो मेहराब मेम्बर ये शब्द एक मस्जिद में बने सीढ़ीदार चबूतरे का सूचक है जहां से खातिब खुतबा अर्थात धर्मोपदेश पढ़ता है मिंबर हमेशा मस्जिद में बने मेहराब के दाहिनी ओर बना होता है मेहराब भी देखें। मिम्बर इस इस्तेला से मुराद अंदरून मस्जिद मेहराब के सामने बनी हुई एक जीनादार जगह है जहां से खुतबा दिया जाता है ंबर मेहराब के दाएं जानेब बिल्कुल सामने बना होता है मजीद देखें मेहराब मीरबी द हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट इन द मुगल एम्पायर वॉज कॉल्ड मीर बख्शी Although a similar position existed in the Delhi Sultanate under the name of Divanayars from the time of Balban, the influence of the post increased many under the Mughals as all mansubs granted by the empire were enrolled in the military payroll. Therefore, apart from his regular duties to look after the recruitment of the army and the inspection of the muster of the troops and horses, he also maintained a register of all Mansabdars. He also presented before the Emperor all high officers coming from the provinces, that is Subas, or leaving the court on different postings. Ambassadors and other distinguished visitors too were presented to the Emperor by the Mir Bakshi. Besides, he headed the intelligence Department and accompanied the Emperor on his state visits. This nearness to the emperor increased the इंक्रीज द पावर एंड the ऑफ द much मच his हिज ओन डिपार्टमेंट मीरबख्शी मुगल साम्राज्य में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को बख्शी कहा जाता था यद्यपि ऐसा ही एक पद दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बलबन के समय से मौजूद था जिसका नाम दीवाने अर्ज था किंतु मुग़लों के शासनकाल में इस पद का प्रभाव कई गुना बढ़ गया था क्योंकि बादशाह द्वारा दी गई सभी मनसबें सैनिक वेतन चिट्ठी में दर्ज की जाती थीं इसलिए सेना की भर्ती पर नज़र रखने और सैनिक टुकड़ियों और घोड़ों के रखरखाव का मुआयना करने से संबंधित उसके सभी नियमित कर्तव्यों के अलावा वो सभी मनसबदारों का एक रजिस्टर भी रखता था इसके अलावा वो सूबों से आने वाले सभी अफसरों को बादशाह के समक्ष प्रस्तुत करता था और इसी प्रकार दरबार से अन्यत्र स्थानांतरण पर जाने वाले अफसरों को भी बादशाह से मिलवाता था इसी प्रकार बाहर से आने वाले राजदूतों और अन्य विशिष्ट आगंतुकों को बादशाह से मिलवाने का काम भी मीरबख्शी ही करता था इसके अतिरिक्त वो गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष होता था और जब बादशाह राज्य में दौरे पर जाता तो बख्शी को भी अपने साथ ले जाता था बादशाह के साथ उसकी निकटता के कारण बख्शी की शक्ति और प्रतिष्ठा उसके अपने विभाग से परे भी बहुत बढ़ गई थी बख्शी मुमलिकत मुगलिया में फौजी महकमे के सदर को बख्शी कहा जाता था अगरचे इससे मिलता जुलता अहदा दीवान अर्ज़ के नाम से दहली सल्तनत में बलबन के दौर से ही मौजूद था ताहम मुग़ल दौर में इस अहदे का दबदबा कई गुना इसलिए बढ़ गया था कि बादशाह की जानिब से दिए जाने वाले तमाम तमामों को फौजियों की तनख्वाह की फ़हरिस्त में दर्ज किया जाता था लिहाजा मीर बख्शी को अपने मुस्तकिल फ़राइज मसलन फ़ौज की तकर्री अफवाज और घोड़ों की हज़ारी की निगरानी के अलावा तमाम मनसबदारों का रजिस्टर भी तैयार रखना पड़ता था वो सूबों से आने वाले तमाम अफसरों या मुख्तलिफ मुख्तलिदों पर फाइज होकर जाने वालों को बादशाह के सामने पेश भी करता था सफरा और दीगर मुमताज़ अकाबरीन भी मीर मीरबी की मारिफत ही पेश किए जाते थे इसके अलावा वो खुफिया महकमे का सदर होता और सूबों के दौरे में बादशाह के साथ जाता था बादशाह से इस कुर्बत ने मीर बख्शी के इख्तियार और वकार को उसके अपने महकमे से कई गुना बढ़ा दिया था मिसल द टर्म रेफर्स टू द ट्वेल्व कॉन्फेडरेसीज दैट इज मिलिट्री ब्रदरहुड विद अ डेमोक्रेटिक सेटअप इन टू विच द सिक्स ऑर्गेनाइज दमसेल्व्स आफ्टर द फाइनल रिट्रीट ऑफ अहमद शाह अब्दाली फ्रॉम द पंजाब इन सेवनटीन Most of these missiles were later annexed by Maharaja Ranjit Singh who established a strong sovereign state in the Punjab with Lahore as its capital. Maharaja Ranjit Singh himself belonged to the Shukarchakya misl. 10 years after his death in 1839 the state founded by him was annexed by the growing British Empire in India. Page 83 Misl इस शब्द का तात्पर्य उन बारह समूहों अर्थात लोकतांत्रिक प्रणाली पर आधारित सैनिक भाईचारा से है जिनमें 1770 के दशक में पंजाब से अब्दाली के अंतिम रूप से हट जाने के बाद सिखों ने अपने को संगठित कर लिया था आगे चलकर महाराजा रंजीत सिंह ने जब पंजाब में अपना प्रभुता संपन्न प्रबल राज्य स्थापित किया और लाहौर को अपने राज्य की राजधानी बनाया तब इनमें से अधिकांश मिसलों को अपने राज्य में मिला लिया महाराजा रंजीत सिंह स्वयं शुक्रचकिया मिसल के थे अठारह में उनकी मृत्यु के 10 वर्ष बाद उनके द्वारा स्थापित किया गया राज्य भारत में बढ़ते हुए ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया मिसल इस इश्ते से मुराद 12 रियासतों का इतिहाद यानी जमहूरी तर्ज पर कायम फ़ौजी अखवात है जिसमें 1770 की दहाई में कुली तौर पर पसपा होकर अहमद शाह अब्दाली की पंजाब से वापसी के बाद सिखों ने खुद को मुनजम कर लिया था बाद में महाराजा रंजीत सिंह ने जब पंजाब में अपनी खुद मुख्तार रियासत कायम कर ली और लाहौर को दारुल हुकूमत बना लिया तब इसने उनमें अक्सर मिसलों को अपनी रियासत में शामिल कर लिया बाजाद खुद महाराजा रंजीत सिंह का ताल्लुक शुक्र चकिया मिसल से था अठारह में उसकी वफात के दस साल बाद उसकी कायम करदा रियासत को हिंदुस्तान में बढ़ती हुई बरतानवी हुकूमत में शामिल कर लिया गया the term refers to those Indian nationalists who द टर्म रेफर्स टू दो इंडियन नेशनलिस्ट phase, इज फ्रॉम टू 1885 हंड्रेड फाइव The term moderate came to be used to refer to them as they greatly relied on the method of petitioning and persuading the British India government to grant greater political concessions to Indians in their own administration through constitutional means. One of the most important contributions of those moderates was the development of a critique of colonialism. For example, Dadabhai Noroji, the grand old man of Indian nationalist movement, propounded a theory which exposed the ways in which the resources of India were systematically taken out of India. This theory came to be known as the drain theory. Another moderate leader, Ramesh Chandra Dutt, wrote a two-volume Economic History of India which also influenced the Indian national movement in perceptible ways. Other prominent moderate leaders were Surendranath Banerjee, Feroz Shah Mehta, Badruddin Tayebji, Gopal Krishna Gokhale and W.C. Banerjee. Because of the political stance of constitutionalism and moderation adopted by these moderates, the Indian National Congress witnessed a split between them and the extremists in its Surat session in 1907. See also Radicals Madhyamargi. इस शब्द का तात्पर्य उन भारतीय राष्ट्रवादियों से है जिन्होंने पहले दौर में यानी अठारह से 1905 तक राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया था इस समूह को मध्यमार्गी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके तौर तरीके अधिकतर अनुनय विनय पर आधारित थे और वे सरकार से संवैधानिक तरीक़ों से प्रशासन में भारतीयों को अधिक राजनीतिक रियायतें दिलवाना चाहते थे इन मध्यमार्गी नेताओं का एक सबसे महत्वपूर्ण योगदान उपनिवेशवाद के बारे में एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास है उदाहरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के भीष्म पितामह दादा भाई नौरोजी ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसके द्वारा उन्होंने उन तरीकों को उजागर किया जिनके द्वारा भारतीय संसाधन योजनाबद्ध रीति से भारत से बाहर ले जाए जा रहे थे इस सिद्धांत को धन निकासी का सिद्धांत कहा जाता है एक अन्य मध्यमार्गी नेता रोमेश चंद्र दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से एक दो खंडीय ग्रंथ की रचना की जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रभावित किया कुछ अन्य प्रमुख नेता थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी फिरोज शाह मेहता बदरुद्दीन तैयबजी गोपाल कृष्ण गोखले और डब्ल्यू सी बॉनर्जी इन मध्यमार्गी नेताओं द्वारा अपनाए गए संविधानवादी और नरमपंथीय राजनीतिक दृष्टिकोण के कारण 1907 में आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो दलों आमूल परिवर्तनवादी और मध्यमार्गी में विभाजित हो गया आमूल परिवर्तनवादी भी देखें ऐतदाल पसंद इससे मुराद उन हिंदुस्तानी कौम परस्तों से है जिन्होंने पहले मरहले यानी अट्ठारह से 1905 तक कौमी तहरीक की क्यादत की इन्हें एतदाल पसंद इसलिए कहा जाता था कि इन्होंने बरतानवी हुकूमत हिंद से एनिक जबतों के जरिए हिंदुस्तानियों को उनके अपने नज्म नस्क में ज्यादा से ज्यादा सियासी मराद दिलाने के लिए अर्ज़ गुज़ारी और रजाजोई जैसे मुतद तरीकों पर बहुत ज्यादा भरोसा किया था इन एतदाल पसंदों का एक सबसे बड़ा कारनामा ये था कि इन्होंने नौआबादियत की तनकीद को रिवाज दिया मिसाल के तौर पर हिंदुस्तानी कौमी तहरीक के सबसे मुअम्मर रहनुमा दादा भाई नारोजी ने एक नज़रिए की तश्कील की जिसमें ये तश्त अजबाम किया गया कि किस तरह हमत के साथ हिंदुस्तानी वसाइल को हिन्दुस्तान से बाहर ले जाया जा रहा है इस नज़रिए को दौलत का बहाव कहा जाता है एक दूसरे मुतादिल रहनुमा रोमेश चंद्र दत्त ने दो जिल्दों में इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया तालीफ़ की जिसने हिंदुस्तानी कौमी तहरीक को गैरमूली तौर पर मुतासर किया दीगर अहम एतदाल पसंद रहनुमाओं में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी फ़िरोज शाह मेहता बदरुद्दीन जी गोपाल कृष्ण गोखले और वी सी बनर्जी वगैरह थे क़ानून की बालादस्ती और अतदाल पसंदी जो कि इन रहनुमाओं का सियासी मतमाय नज़र था के सबब हिंदुस्तानी कौमी कांग्रेस सूरत के इजलास 1907 में एतदाल पसंदों और इंतहा पसंदों के दो हल्कों में मुनकसम हो गई मज़ीद देखें इंतहा पसंद मुफ्ती The term refers to the experts on the Islamic law, that is, Sharia, who provided rulings, that is, fatwas, on matters that were referred to them by the members of the public or by the Qazis during the medieval period, particularly in matters related to marriage, divorce, and inheritance of property. Such rulings were viewed as binding. Mufti. ये शब्द इस्लामी कानून अर्थात शरिया के उन विशेषज्ञों का सूचक था जो मध्य युग में जनसाधारण द्वारा अथवा काजियों द्वारा उनकी राय के लिए उनके पास भेजे जाने वाले मामलों विशेष रूप से शादी तलाक और जमीन जायदाद के उत्तराधिकार से संबंधित मामलों पर अपना निर्णय अर्थात फतवा देते थे उनके निर्णय सबके लिए बाध्यकारी समझे जाते थे पेज। 84 मुफ्ती इस अतलाह से मुराद इस्लामी क़ानून यानि शरीय में महारत रखने वाला है जो एहदो वस्ता में अवामुलनास या काजी की तरफ से पूछे गए सवालों बिलखसूस निका तलाक़ और मेरास वगैरह से मुतालिक मसाइल का जवाब फ़तवे की शक्ल में देता था जिस पर अमल करना ज़रूरी समझा जाता था Muhajir The word has its origin in the Arabic term Muhajirun which refers to the followers of Prophet Muhammad who migrated from Mecca to Medina following his footsteps in the year 622 and later In contemporary period the Muslims who left for Pakistan from northern India in the wake of India's partition are referred to as Muhajirs in Pakistan Muhajir ये शब्द अरबी भाषा के शब्द मुहाजिरून से निकला है जिसका तात्पर्य पैगंबर मोहम्मद के उन अनुयायियों से है जो वर्ष 622 में और उसके बाद पैगंबर के पद पर चलते हुए मक्का से मदीना आए थे आज के जमाने में मुहाजिर उन मुस्लिम लोगों को कहा जाता है जो भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप उत्तरी भारत से पाकिस्तान चले गए थे मुहाजिर ये इस अरबी लफ्ज़ मुहाजिरों की वाहिद है जिससे मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो पैरों हैं जो 622 सौ ईस्वी और उसके बाद भी आप अलैहि वसल्लम की इतबा में मक्के से मदीना हिजरत कर गए असर हाजिर में तकसीम हिंद की वजह से जो लोग शुमाली हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए उन्हें पाकिस्तान में मुहाजिर कहा जाता है mulatto the term refers to a person with one white and one black parent the term originated during the colonial period that is circa 16th century ce however the term is often considered offensive mulatto मुलेटो एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके माता पिता में से एक गोरा और एक काला होता है इस शब्द का उद्भव औपनिवेशिक काल अर्थात ईसा की सोलहवीं शताब्दी में हुआ था किंतु इस शब्द का प्रयोग अक्सर आपत्तिजनक माना जाता है मुलेटो यानी मखलुतुल इस इस्तिला से मुराद वो शख्स है जिसके वालिदेन में से एक सफेद फार्म और दूसरा सिया फार्म हो इस इस्तिला का आगाज नौ आबादियाती दौर यानी तकरीबन सोलवी सदी ईस्वी में हुआ था ताहम अक्सर वेशतर इसे एहानत आमेज असला समझा जाता है मुकदम इट इज अ टर्म व्हिच वाज यूज्ड टू रेफर टू अ विलेज हेडमैन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द दिल्ली सल्तनत Along with Chaudhrys and Khuts, the Mukaddams constituted the rural aristocracy. They often held the most productive lands in the village, and in a system where the village as a whole used to be assessed for revenue payment, and the Mukaddams were held responsible for collection of such revenue, they used to pass on the burden of their share of the land revenue to other peasants. Besides, the Mukaddams also did not pay jizya, that is a religious tax, and other taxes rather collected perquisites, that is, incidental monetary benefits, on account of their working as village headmen. However, in order to rein them in and curtail their influence, Alauddin Khalji divested them from collecting any such perquisites and also assessed their land for collection of revenue on a par with ordinary peasants. Muqaddams from around the areas that were easily accessible from Delhi thus came to be affected substantially, although in other areas they continued to enjoy their status unaffected. From the time of Akbar, the Muqaddams came to constitute an intermediate class of Zamidars. Muqaddam दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में गांव के मुखिया के लिए मुकदम शब्द का प्रयोग किया जाता था चौधरी और खुद के साथ साथ मुकदम भी गांव के उच्च वर्ग में आते थे गांव में उनके पास अक्सर सबसे उपजाऊ ज़मीन होती थी तत्कालीन व्यवस्था में जब संपूर्ण गांव से वसूल किए जाने वाले राजस्व की राशि एक साथ निर्धारित की जाती थी और उस राशि को वसूल करने की ज़िम्मेदारी मुक़द्दमों पर होती थी तब ये मुक़द्दम उनसे वसूल किए जाने वाले भू राजस्व का बोझ अन्य किसानों पर डाल दिया करते थे इसके अलावा इन मुक़द्दमों को जजिया अर्थात एक धार्मिक कर और अन्य कर नहीं देने पड़ते थे बल्कि वे गांव के मुखिया के रूप में दी जाने वाली अपनी सेवाओं के बदले कुछ प्रासंगिक धन लाभ वसूल कर लेते थे उन पर लगाम कसने और उनके प्रभाव को कम करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें प्रासंगिक लाभ वसूल करने के अधिकार से वंचित कर दिया था और अन्य साधारण किसानों की तरह उनसे भी भू राजस्व वसूल करना शुरू कर दिया था दिल्ली के आसपास के इलाकों में जहां आसानी से पहुंचा जा सकता था रहने वाले मुकदमों पर अलाउद्दीन के फैसले का काफी असर हुआ लेकिन अन्य क्षेत्रों के मुकदम अप्रभावित रहे और अपने ओहदे का लाभ उठाते रहे अकबर के शासनकाल से मुकदम जमींदारों की एक मध्यवर्ती श्रेणी बन गए मुकद्दम ये एक इतलाह है जिसका इस्तेमाल दहली सल्तनत में गांव के मुखिया के लिए किया जाता था चौधरी और खूत के साथ मुक़दम भी देहात के अशरफिया थे उनके पास अक्सर गांव में सबसे ज़्यादा ज़रखेज़ ज़मीन होती थी एक निज़ाम के तहत मालगुजारी की अदायगी के लिए जब पूरे गांव की पैदावार का अंदाज़ा किया जाता था और उन मालगुजारियों को वसूल करना मुकदम के ज़िम्मे होता था तो ये मुक़दम उनसे वसूल की जाने वाली मालगुजारी का बोझ दूसरे किसानों पर डाल दिया करते थे इसके अलावा मुक़दम को जिजिया और दीगर मसलूहत भी अदा नहीं करना पड़ता था मज़ीद ये गाँव में मुखिया की हैसियत से काम करने के एवज़ वो तनख्वाह के अलावा इजाफ़ी रकूम भी यानी या माली मुनाफत वसूल कर लेते थे ताहम अलाउद्दीन खिलजी ने उन पर तदगन लगाने और उनके असर रसूख को ख़त्म करने के लिए इस तरह की इजाफी वसूल याबी पर पाबंदी आयद की और मालगुजारी वसूल करने के लिए आम किसानों की तरह उनकी जमीनों का भी तखमीना लगवाया उन इलाकों में जहाँ आसानी दहली से कंट्रोल किया जा सकता था वहां मुकदम की हैसियत में काफ़ी हद तक कमी आ गई ताहम दूसरे इलाकों में उनकी सबका हैसियत अपनी जगह बरकरार रही अकबर के दौर से मुकदम जमींदारों की हैसियत से सालसी तबका बन गए पेज 85 फाइव मुख्ती ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द Delhi सल्तनत द टर्म was used टू रेफर टू द कमांडर्स ऑफ मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव tracts कॉल्ड इकताज द पावर्स which द मुख्तीज exercised depended ऑन स्पेसिफिक circumstances. Initially, the muqtis were almost independent. Although, with the central authority becoming stronger, the muqtis' powers became much less. Since Balban's time, the muqtis were obliged to send the surplus income from the iktas to the center after meeting their own expenditures, including the expenditure they had to incur in maintaining the armies and law and order. During Alauddin's time, the muqtis had also to follow the system of land revenue assessment that had been introduced by the Sultan in the Doab region. The control of the Sultans over the muqtis also grew on account of the appointment of revenue administrators, that is, nayab divans or khwaja, and intelligence officers, that is, Barids from the center in the iqtas, muqti. दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में इस शब्द का प्रयोग सैनिक तथा प्रशासनिक भूभागों अर्थात इक्ता के प्रमुखों के लिए किया जाता था मुक्तियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ कुछ विशिष्ट परिस्थितियों पर निर्भर करती थीं प्रारंभ में मुक्ति लगभग स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते थे किंतु जब केंद्रीय सत्ता अधिक शक्तिशाली हो गई तो मुक्तियों की शक्तियाँ बहुत कम हो गईं। बलबन के समय से मुक्तियों को एकता से होने वाली संपूर्ण आय में से उनके द्वारा रखी जाने वाली सेना और कानून व्यवस्था आदि के खर्च को घटाकर शेष बची हुई संपूर्ण राशि को केंद्रीय शासन के पास भेजना होता था अलाउद्दीन के शासनकाल में मुक्तियों को भू राजस्व निर्धारण की उस प्रणाली का पालन करना होता था जो सुल्तान द्वारा दुआब क्षेत्र में लागू की गई थी इसके अलावा मुक्तियों पर सुल्तान का नियंत्रण तब और भी बढ़ गया जब एकता क्षेत्रों में केंद्र की ओर से राजस्व प्रशासकों अर्थात नायब दीवान या ख्वाजा और गुप्तचर अधिकारियों अर्थात बरीदों की नियुक्ति कर दी गई मुक्ति दिल्ली सल्तनत के दौर में इस असतलाह का इस्तेमाल फ़ौजी सिपा सहलार और इंतज़ामी ख़तों के लिए किया जाता था जिन्हें इक्ता कहा जाता था जिन इख्तियार इस्तेमाल मुक्ति करते थे वो मखसूस हालत पर मुनहसर होते थे इब्तदा में मुक्ति तकरीबन ख़ुद मुख्तार होते थे लेकिन मरकज़ी हुकूमत के मुस्तकम होने के साथ उनके इख्तियार बहुत कम हो गए बलबन के दौर से ही मुक्तियों को इत से पैदावार की शक्ल में होने वाली आमदनी को ज़ाती ज़रूरतों की तकमील फौजी इंतजाम वानसराम और, और नज्म ज़ब में होने वाले इखराजात के बाद बाकी मानद आमदनी मरकज़ को इरसाल करना पड़ता था सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दौर में मुक्तियों को निज़ाम मालगुजारी के तहत तयन मालगुजारी की पाबंदी करनी पड़ती थी जिसे सुल्तान ने दोआब इलाके पर नाफिज किया था मरकज की जानब से इक्ताद पर मुंतज़िम मालगुजारी यानी नाइब दीवान या ख्वाजा और जासूसों यानी बुरीदों की तकरीरी होने की वजह से सुल्तान का तसल्लुत मुक्तियों पर मजबूत हो गया था मुरीद इज एन अरेबिक वर्ड विच रेफर्स टू अब ऑफ़ मास्टर मुरीद ये एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है एक सूफी पीर का शिष्य मुरीद ये अरबी लफ्ज है जिससे मुराद सूफी शेख के शागिर्द हैं मुर्शिद इट इज एन अरेबिक वर्ड विच लिटरली मीन्स अ गाइड ऑल्सो कॉल्ड शेख दैट इज इन अरेबिक और पीर इन पर्शियन अ मुर्शिद होल्ड्स द सेंट्रल पोजिशन इन अ खानका that is sufi organization he enrolls disciples institutes rules for their spiritual conduct and community life and teaches them regularly the murids used to take their oath of allegiance of these masters and follow their instructions diligently this special bond between the murshids and their murids developed the institutions of sufi silsila in sufism आफ्टर द डेथ ऑफ अ मुर्शिद द टूम श्राइन दट इज दरगाह बिल्ट ऑन इज ग्रेव बिकम्स द सेंटर ऑफ डिवोशन फॉर हिस्स फॉलोअर्स सच दरगाह इन प्लेसिज लाइक अजमेर एंड डेली हैव बिकम इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ पिलग्रमेज दैट इज जियारत इन इंडिया मुर्शिद यह एक अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है मार्गदर्शक इसे शेख अर्थात अरबी में और पीर अर्थात फारसी में भी कहा जाता है इसकी देखरेख में संपूर्ण खानका अर्थात सूफी संगठन चलता है ये मुरीदों की भर्ती करता है उनके आध्यात्मिक चाल चलन और सामुदायिक जीवन के लिए नियम निर्धारित करता है और उन्हें नियमित रूप से शिक्षा देता है मुरीद अपने पीरों यानि मुर्शिदों के प्रति निष्ठा की शपथ लेते थे और प्रयासपूर्वक उनकी हिदायतों का पालन करते थे मुर्शिदों तथा मुरीदों के बीच इस विशेष गठजोड़ ने सूफीवाद में सूफी सिलसिले की संस्थाएं विकसित की मुर्शिद की मृत्यु के बाद उसकी कब्र पर बनाई गई दरगाह उसके अनुयायियों के लिए भक्ति का केंद्र बन जाती है भारत में अजमेर तथा दिल्ली जैसे स्थानों पर निर्मित ऐसी दरगाहें जियारत यानी तीर्थयात्रा के महत्वपूर्ण स्थान बन गई हैं मुर्शिद ये अरबी लफ्ज है जिसके लफ्जी मायने रहनुमा के हैं शेख अरबी में या पीर फारसी में को भी मुर्शिद कहा जाता है जिन्हें खानका में मरकजी मकाम हासिल होता है वो मुरीद करते उनके लिए रूहानी मामूलत और मिलजुल कर जिंदगी गुजारने के लिए उसूल तैयार करते और बाब्ता उनकी तीम और तरबियत का अहतमाम करते हैं मुरीदीन अपने शेख के तयन वफादारी और उनकी हिदायत पर तनदही से अमल पैरा होने का अहद करते थे मुर्शिद और मुरीद के दरमियान बैतो इरादत ने तसव्फ़ में सूफी सिलसिले को फरोग दिया मुर्शिद की वफात के बाद उनके मकबरों के ऊपर गुम्बत तामीर किया जाता है जो दरगाह की शक्ल में उनके मुरीदीन व मुतलिकीन के लिए रूहानियत का मरकज होता है इस तरह की दरगाहें हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकाम मसलन अजमेर और दहली में निहायत अहमियत की हामिल जियारत बन गई हैं पेज एटी सिक्स मुविंदर इट इज ए टर्म विच संगम टेक्स्ट इट स्टैंड फॉर थ्री बिग रूलिंग चीफ्स दैट इज द चेरा चोला एंड पांड्या किंग्स सियोल्सो संगम मुविंदर तमिल भाषा का ये शब्द संगम ग्रंथों में मिलता है ये तीन बड़े राजप्रमुखों अर्थात चेर चोल और पांडे राजाओं का सूचक है संगम भी देखें मुविंदार ये एक तमिल इस्तेला है जिसका जिक्र संगम मतून में किया गया है इससे मुराद तीन बड़े सरबरा चेहरा चोल और पांड्या हुक्मरान हैं मजीद देखें संगम लेटर एम ऑफ ट्राइलिंग डिक्शनरी ऑफ हिस्ट्री फॉर स्कूल एंड सियर रेड बाय सुचित्रा गुप्ता एंड मोहम्मद साद ट्राई डिक्शनरी यू आर जस्ट लिसनिंग टू दिस प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन राजेश निमेश Subject Coordination Dr Sima Shukla Ojha Project Advice Dr Bharti Kaushik Technical Coordination Bati Langlingdo Assistance in Production Jagbandhu Jana Framework Advice Ajit Horo Production Coordination Vandana Arimardan Produced and Directed by Vimlesh Chaudhary. and this presentation is brought to you by CIET NCERT New Delhi India